तो फ्रेंड्स ये अपना मतलब मैं सोचा एक ब्लॉग बनाऊं, ठीक है। ऐसे मैं ब्लॉग तो कभी बनाता नहीं हूँ, ठीक है। और मैं अपने गांव आया हूँ यूपी, और यूपी बलिया जिला, जैसा आपको पता ही होगा, बहुत लोगों मैंने बता भी दिया है। और ये मेरा गांव है, जो आपको ये व्यू दिख रहा है, ये मेरा गांव का है। ऐसे आपको जो सामने दिख रहा है, एक व्हाइट व्हाइट कलर की स्कूल दिख रही है। पहले ये स्कूल दिखती नहीं थी थोड़ा भी, क्योंकि यहाँ पे बाकी बहुत सारे पेड़ रहते थे, क्योंकि अभी सारे पेड़ कट चुके हैं, सब खेत बन चुका है। बट जो हमारा गांव है, बहुत ही अच्छा गांव है, ठीक है। तो मैं सोचा कि ना अपने छोटे मतलब हम लोग जो बचपन में मिल रहे, जैसे हम लोग क्या करते थे और कहाँ खेलते थे और कौन से स्कूल में हम लोग पढ़े 8वीं तक, ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और जरूर बताना कि कॉमेंट करके मुझे, ठीक है, कि आपको ये ब्लॉग्स कैसा लगा, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत मुझे लगता है मिस्टेक होंगी, बट आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करते ही हो, आप लोग करोगे ही, ठीक है। तो ये अपना गांव मतलब व्यू दिखा रहा हूँ, बस अपने गाँव का लोगों में अपना थोड़ा घर का दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये कल है, देखो जैसे कि हमारे यहाँ नल नहीं है, वो होता है कल है, ठीक है। और ये मेरा घर है, अंदर है, अंदर दिखा दूँ, हमारे बाद में पता चलता है छत पे घर है और बाकी पीछे भी है, ठीक है। तो अपन सब दिखाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और ये देखो एक बड़ा सा क्या है, और उसको क्या बोलते हैं, साथ में लोग का कुछ बोलते हैं ऐसा। आई होप आपको पता होगा, तो मुझे जरूर कमेंट करना कि क्या बोलते हैं, ठीक है। गाँव का जो भाई मज़ा है ना गाइस, बहुत अच्छा है। यहाँ तो वातावरण भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वातावरण है, ठीक है। तो चलो अभी थोड़े अपन जाते हैं स्कूल साइड, तो आपको दिखाते हैं स्कूल जो ये आप देख रहे हो। ये बहुत पहले मतलब बहुत पहले ये बहुत बड़ा बगान हुआ कर रहा था आम का, इसमें बहुत सारे आम फटते थे और इतने छोटे छोटे पेड़ पत्ते थे, इतने आम बड़े बड़े होते हैं ना, तब पूछ नहीं सकते भाई, ठीक है। और ये आप जो जंगल देख रहे हो, इसमें भूत रहते हैं, मैंने सुना है बचपन में, हम बहुत डरते थे रात को इधर आने में, बहुत ज़्यादा डर लगता था। जो ये आप देख रहे हो, ये अपना सरसों का मतलब खेत है, आप शायद तक आप जो तेल आता है करू का, वही इसमें होता है, ठीक है। और ये हमारे गांव के रास्ते हैं, और ये पूरा खेत जो आप वहाँ स्कूल देख रहे हो, वो भी एक स्कूल है, बट इधर बीच में बहुत सारे अमरूद के पेड़ हुआ करते थे, बट अभी वो सब कट गए हैं, ठीक है। प्लीज़ मुझे कॉमेंट करना, ठीक है। इधर ही पूछ रहा करते थे, डर लग रहा है मुझे, मैं अकेले हूँ, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल पर ही। और ये सब जो पेड़ दिख रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा पहले पेड़ थे, आम के, अमरूद के, महुआ, असा तक आप जानते हो, ठीक है। और ये आलू का खेत है, देखो ये हमारे गांव का, इसमें आलू होता है, आलू तो जानते ही हो ना आप लोग, ठीक है। ये आलू का खेत है, जस्ट वन मिनट, ये सब आलू के खेत है। और ये हमारे घर के रास्ते हैं, जैसे कि हम लोग जाते हैं घूमने। और जो ये पेड़ है ना, इस पेड़ पर हम लोग बहुत ऊपर तक गए हैं ऐसे खेलने के लिए, जो बीच का आप देखो जो एंगल का दिख रहा है, वहाँ पर हम लोग रहते हैं उसके ऊपर, मतलब पूरे मतलब जो बचपन का सीन होता था ना भाई, अलग ही होता था। मैं आप लोग बता दूँ, बहुत ही मज़े आते थे, बट अभी वो सब अपने को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बट मैं पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को अपना गांव। और यहाँ पे इतना मतलब यहाँ पे वातावरण इतना अच्छा है ना, कभी किसी का तबीयत भी नहीं ख़राब होगा, क्योंकि यहाँ पे बस खेती ही खेती है, खेती के सिवा कुछ भी नहीं, ठीक है। यहीं पर हम लोग खेलते थे पहले, लट्टू, गोली, जो भी गेम खेलते हैं, जैसे आप लोग भी खेलते हैं, ओके। पहले नाम अलग अलग होगा हर चीज़ का, ठीक है। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो देखो देखो पहले यहाँ से रास्ता था जाने का, बट लोगों ने रास्ता भी बंद कर दिया, सब खेत बन चुका है। यहाँ पे हम लोग बहुत पहले खेलते थे, ठीक है। अभी हम अभी जा रहा हूँ अपने स्कूल पे, आपको दिखाऊंगा अपना स्कूल, जो कि पहले हम वहाँ 8वीं तक पढ़े, उसमें खिचड़ी तक हमने खाया है, आप लोग शायद तक नहीं, आप लोग जैसे स्कूल में जो खाने आते हैं, हमारे बस खिचड़ी बनता था और उसके सिवा कुछ भी नहीं। और ये जो टेबल है अपना, इसमें हमने बहुत पहले बहुत ज़्यादा नहाया है, ठीक है। बट ये तो घटिया हो चुका है, ये देखो पूरा घटिया हो चुका है, ठीक है। अब इसमें नहाने तक नहीं चुका है, पहले हम इसके अंदर डूब जाते थे, बट तब मेरे पाँव के बराबर आता है, ठीक है। और ये अपना मेरे बड़े पापा का खेत है, ये वाला फुलवारी जो दिख रहा है आपको, मेरे बड़े पापा का खेत है, मेरा खेत इधर नहीं, मेरा खेत तो आगे, ठीक है। तो अभी हम देखो आपको सामने जो स्कूल दिख रहा है, वहीं पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और आप वीडियो कट भी कर देंगे बीच बीच में, जरूर कमेंट करना, हाँ मैं भाई पहला ब्लॉग्स कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ, वहाँ सब लड़के खेलने गए ऑलरेडी, और वहाँ पे भी जो कुछ लोग जा ही रहे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मैं भाई, तो कर दो यार, क्या कर रहे हो अभी तक, ठीक है। और कैसा लगा जरूर कमेंट करना, हाँ भाई ऐसा नहीं कि आप ना करना, पर देखो आप यहाँ का आपको ऐसा कभी क्यों आपने कभी व्यू नहीं देखा होगा, ठीक है। और आप गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, ऐसा आपने हरियाली नहीं देखा होगा, ठीक है। ये सरसों, ये जो सरसों का है, कितना अच्छा लग रहा है, इसमें कितना मस्त फोटो आएगा ना। और जी आपको दिख रहा है हरा हरा, ये सब आलू है, ठीक है। हमारे यहाँ आलू हर चीज़ की प्रकार की खेती होती है, ठीक है। तो ये अभी आलू का सीजन चल रहा है, ठंडी में आलू होता है, और यहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक। तो ये आलू बोया है, चलो चलते हैं अभी डायरेक्ट अपना पुल पे। ये जो आप पुल देख रहे हो ना, ये पुल पे पहले हम लोग बैठा करते थे, और इधर बहुत सारे गेम भी होते थे इधर, है ना। बट अभी कैसा हो गया, इतना जो अपना पुल है पूरा ख़राब हो चुका है। यहाँ से देखो जो सामने एकदम सीधा रोड दिख रहा है, वो पेड़ वो दिख रहा है, उतना दूर तक हम लोग दौड़ते दौड़ते जाते थे। बट अभी कैसा है, सब इधर उधर, कोई जितने भी मेरे दोस्त यार थे, सब कोई काम पे लग गए, कुछ लोग बाहर डिग्री कर रहे हैं, कोई कॉलेज कर रहा है, सब गांव से बिखर गए। बट कुछ लोग हैं जो मेरे
छोटे थे मेरे से, वो लोग खेलने गए हैं ठीक है, तो उसका मैं आज आपको दिखाने जा ही रहा हूँ। बट देखो कितना अच्छा लग रहा है ना व्यू, कितना अच्छा है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जरूर कमेंट करना ठीक है। तो फिर जो ये आप देख रहे हो ना, ये जो आपको ये दिख रहा है नीचे घास, ये घास नहीं, एक्चुअली ये गेहूँ का खेत है ठीक है। ये अभी गेहूँ बस बहुत भी छोटा है, अभी वो दस बोए ही हुए हैं ठीक है। और ये जो आपको ये पेड़ दिख रहा है ना, ये बहुत आम का पेड़, इस पर बहुत ही ज़्यादा आम होते हैं और ये सब रोड पर गिरता है ठीक है। तो इधर भी हम लोग बहुत ये जो आम पेड़ देख रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा झूला खेला था बचपन में, बट ये सभी मिस करते हैं हम लोग। साला काश वो दिन रहता है, बट अभी तो ऐसा हो चुका है कि साला सब लोग अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, ऐसे अभी हो चुका है। बट जो बचपन के यादें रहती हैं भाई, वो बहुत ही अच्छे रहते हैं ठीक है। मैं आप लोग बताऊँ बहुत अच्छा लगता है ठीक है। और इवेंट जो ये आप देख रहे हो, ये पूरा बहुत बड़ा तालाब है ठीक है, बहुत ही बड़ा तालाब है। और इसमें पहले हम लोग बहुत ही ज़्यादा नहाते थे ठीक है। और जो बीच में आपको जो ब्लैक सा वो दिख रहा है ठीक है, वो ब्लैक कलर का खंभा था, उस पर हम लोग पूरा ऊपर तक चढ़ के पहुँच जाते थे और ऊपर के पेड़ से भी पहुँच जाते थे। और देखो अभी क्या हाल हो चुका है, अभी इसमें नहाने लग गया, डर लगेगा क्योंकि सांप अपना निकलता है, क्योंकि सांप भी बहुत निकलते थे। लेकिन अभी ऐसा सीन हो चुका है कि इसमें नहा भी नहीं सकते अपन, लेकिन पानी तो आप लोग को दिख रहा होगा ठीक है। और ये आप बाजू बाजू में सब पेड़ लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ यहीं पर छठ पूजा होता है, छठ पूजा के टाइम पर सब साफ कर देते हैं, बट अभी तो पूरा एकदम भरा हुआ है जैसे आप लोग देख रहे हो ठीक है। मतलब इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा नहाया करते थे, जब स्कूल जाने का मन नहीं होता था तो यही रास्ता है स्कूल जाने का। अभी बाउंड्री मार दिए तो हम लोग रास्ते में पानी में गिर जाते थे जानबूझकर कि आज स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन अभी मिस होता है कि साला हमने क्या किया, पहले स्कूल जाना चाहिए था सही है। तो अभी चलो डायरेक्ट अपना स्कूल के अंदर ही चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी स्कूल है, उच्च प्राथमिक विद्यालय आसचौरा, जो कि हमारा आसचौरा गांव का नाम है एक्चुअली ठीक है। पहले के लोग भाई नाम भी अजीब अजीब रखते थे, और ये देखो अभी स्कूल का बहुत ही अच्छा है, लोग घेर दिया और ये अभी नए नए झूले भी लग गए। अंदर थोड़ा कुछ काम चल रहा है तो मैं अंदर नहीं गया ठीक है, अंदर गए दूसरे दिन गए, बट यहाँ पे क्या काम चल रहा था तो मुझे लगा अच्छा नहीं होगा जाने के लिए अंदर, तो मैं बाहर से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया। बट यही हमारी स्कूल थी जो कि अंदर, और सेकेंड डे हम लोग गए थे तो वहाँ पे वॉलीबॉल, इसके अंदर मैं भी हूँ, बताओ मैं किधर हूँ देख के बताओ ठीक है। और किसी ने मेरे को देखा होगा तो उसको मालूम होगा कि इसके अंदर मैं कहाँ पे हूँ ठीक है, जरूर मुझे बताना कि मैं इसके अंदर कहाँ पे हूँ, मैं हूँ जरूर। आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताना कि मैं कौन से कपड़े पहना हूँ, आप लोग अच्छे शक्ल तो नहीं दिखेगा बट मैं इसके अंदर हूँ ठीक है। तो जरूर कमेंट करना, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना ठीक है, क्योंकि बहुत मेरे को मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में, 8 मिनट की वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी वीडियो बन चुकी है ठीक है। तो उसके लिए क्या ही बताऊँ, कि आप लोग को अच्छा तो लगा ही होगा शायद तक, आई होप आपको अच्छा लगा ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है, जितने भी लड़के हैं ना गेम नहीं खेलते, मतलब फ्री फायर पबजी ये सब गेम बहुत कम खेलते हैं, जैसे कि बाहर के गेम में ज़्यादा ही लोग का इंटरेस्ट है, मतलब रुचि बहुत ज़्यादा है, मतलब वॉलीबॉल फुटबॉल बैट बॉल ये सब गेम खेलते हैं ठीक है। हमारे यहाँ मतलब जो लड़के हम लोग यही खेल रहे थे ठीक है। इसके लिए मतलब जो गांव का मतलब होते ना मतलब ज़बरदस्त, और ये हमारी यहाँ पे हमारा देखो गन्ना का रस से निकाल कर ना गुड़ बनता है, जो कि आप लोग मिठाई बोलते हैं, मीठा कितना बोलते हैं यहाँ पे वही काम होता है। और इसी का वो मशीन है, और यहाँ पे हम लोग सरस्वती जी रखते हैं, तो ये हमारे संजीव भैया जो कि इनका नाम टिकरी है ठीक है, तो ये हमारे अध्यक्ष है। और ये भी सरस्वती पूजा 5 तारीख को है ना, तो उसी का यहीं पर हम लोग रखते हैं सरस्वती जी, बट आई होप मैं शायद तक ना रहूँ सरस्वती पूजा में। और ये जितने भी आप लोग को नाम दिख रहे हैं सारे मेंबर्स हैं उनके, और इसके अंदर मेरा भी नाम है देखो नीचे विशाल, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरा इसके अंदर फोटो लगा नहीं है बट नाम तो है ठीक है। और ये सरस्वती पूजा 5 तारीख को रखाएगा ठीक है, तो चलो इसी नाम पर लाइक कर दो सरस्वती माँ के नाम पर, तब तक के लिए गाइस।